यूपी के एक व्यक्ति जय भगवान गोयल ने किताब लिखी है जो जिसका शीर्षक है आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी। ये किताब इन्होंने दिल्ली भाजपा के एक कार्यक्रम में रिलीज़ की और ये किताब के नोटिस में आने के बाद ख़ास तौर से महाराष्ट्र में इसका पूरा पूरा विरोध हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि शिवाजी केवल एक ही थे, उनकी तुलना और किसी से नहीं हो सकती और नरेंद्र मोदी की शिवाजी से तुलना करना ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने शिवाजी के जो वंशज यहाँ राजनीति में हैं उदयन राजे भोसले और संभाजी राजे भोसले, उनको कहा कि अगर आप इस किताब से सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो आप भाजपा से इस्तीफा दे दीजिए, राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो इसको छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र की कांग्रेस ने कहा कि हम पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे कि शिवाजी महाराज की तुलना किसी नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति से करना या किसी से भी करना ये पूरी तौर से गलत है। शिवसेना, कांग्रेस और यहाँ के बाकी जो संगठन हैं जो महाराष्ट्र में शिवाजी को बहुत मानते हैं, उन्होंने इसका पूरा पूरा विरोध किया। यहाँ मज़े की बात यह है कि एक तरफ दिल्ली बीजेपी इस किताब को रिलीज़ कर रही है और महाराष्ट्र में जो विपक्ष के नेता भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जो यहाँ पहले के मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे हैं कि हमारा इस किताब से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जय भगवान गोयल से कोई लेना देना नहीं है और हम इस किताब को स्वीकृति नहीं देते। खैर, इसके बाद ये शायद किताब विड्रॉ कर ली गई है। उन मांग यही थी कि अगर ये किताब प्रकाशित हुई है तो उसको वापस लिया जाए और अगर प्रकाशन होने वाली है तो उसको रोक दिया जाए। तो खैर, वैसे देखा जाए तो शिवाजी की तुलना नरेंद्र मोदी से करना ये महाराष्ट्र के लोगों को कभी भी गवारा नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो आम धारणा है, जो लोगों की समझ है, वो शिवाजी को एक अलग प्रकार का दर्जा देती है, क्योंकि शिवाजी महाराज के बारे में महाराष्ट्र के लोगों में एक बहुत ही सकारात्मक समझ है। और ये सकारात्मक समझ है क्योंकि शिवाजी महाराज ने जब राज किया, भले ही वो राजाशाही थी, पर उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए यहाँ की लगान व्यवस्था को बदला, जिससे जो बीच वाले ज़मींदार थे उनको उनका दबाव, उनका जो वर्चस्व था उसको कम करके यहाँ के आम किसानों को फ़ायदा हो, ये उनकी मुख्य विचारधारा रही थी जिसके आधार पे उन्होंने राज्य किया। अब वैसे देखा जाए तो शिवाजी महाराज पे बार बार कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं। 2009 में शिवाजी और अफजल खान के पोस्टर्स को लेके सांगली में दंगे करवाए गए और उस एरिया में भाजपा जीत गई। फिर शिवाजी महाराज के पुतले के बारे में जो कमेटी बनी उसमें बाला साहेब पुरंदरे नाम के एक व्यक्ति हैं, उसको उसका चेयरमैन बनाया जाने की बात थी। तो यहाँ के जो लोग अपर कास्ट के नहीं हैं उनके संगठनों ने इसका विरोध किया। विरोध इसलिए नहीं किया कि बाला साहब पुरंदरे एक ब्राह्मण है, विरोध इसलिए किया कि उनकी समझ में और यहाँ के जो एलीट अपर ऊपर का तबका है, ब्राह्मणवादी तबका है, वो शिवाजी महाराज को केवल गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा के रूप में देखता है। इसलिए बाला साहब पुरंदरे का विरोध हुआ। खैर, उनकी मान्यता, शिवाजी महाराज की मान्यता इतनी है कि उसका एक बड़ा पुतला बनाने की बात की जा रही है, ये बात और है, उस पर भी बहुत विवाद हुआ था। कई लोगों ने उसका विरोध इस बात पे किया कि पुतले की क्या ज़रूरत है, मुख्य बात तो है शिवाजी महाराज के मूल्यों के आधार पे आम किसानों को राहत देने की बात की जाए, औरतों को सुरक्षा देने की बात की जाए, इस आधार पर वो डिबेट भी हो चुका है। तो खैर, शिवाजी महाराज को दो प्रकार से देखा जाता है, एक जो यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी संगठन जिसमें आरएसएस भाजपा की विचारधारा है, ये दो आधार पे शिवाजी को देखती है। एक कि भाई वो ब्राह्मणों के बहुत पुजारी थे, गाय की बहुत रक्षा करते थे और उसी के साथ साथ वो मुसलमानों के दुश्मन थे, ये एक सोच लोगों में प्रचलित है। अब जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, उसने शिवाजी, राणा प्रताप जैसे लोगों का उपयोग करके उनको हिंदू राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बना दिया है। वास्तव में देखा जाए तो शिवाजी
मुसलमानों के दुश्मन बिल्कुल नहीं थे। शिवाजी के प्रशासन में बहुत सारे मुसलमान थे, जैसे दरिया सारंग थे, सिद्धि संबल थे, दौलत खान थे, ये सब वो व्यक्ति थे जो उनकी सेना में महत्वपूर्ण पदों पर काम करते थे। शिवाजी महाराज के जो सबसे बड़े गोपनीय सचिव थे, सबसे बड़े अधिकारी थे, वो काजी हैदर मौलाना हैदर अली थे। और तो और शिवाजी महाराज ने आदर के कारण, सभी धर्मों का आदर करने के कारण, उनके रायगढ़ के किले में जहाँ हिंदुओं के लिए भगवान जगदीश्वर का मंदिर बनाया, वहीं उसी के करीब उन्होंने एक मस्जिद का भी निर्माण किया। शिवाजी महाराज हजरत बाबा जो याकूत थे, उनका पूरा नाम था हजरत बाबा याकूत वाले, जो एक सूफी संत थे, उनका भी बहुत आदर करते थे। यहाँ तक कि जब शिवाजी महाराज की फौजें सूरत पर जाने वाली थी लूटमार करने के लिए, अब यहाँ लगे हाथ बता दूँ कि सूरत पर लूटमार, अब कई लोग कहते हैं हुई, कई लोग नहीं हुई, पर बाल सामंत की किताब में ये क्लियरली बताया, और ये बात कोई अजीब बात नहीं है। राजाओं की सेनाएं अपने राज्य की सीमा के बाहर लूटमार करती थी, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी। पर खैर, इसके बावजूद भी शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को संदेश दिया, निर्देश दिया कि अगर जब आप जा रहे हैं तो अगर गलती से भी किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आपके हाथ में आ गई तो आप उसका अपमान मत कीजिए, पूरे आदर के साथ उस धर्म के मानने वाले व्यक्ति को वो किताब वापस कीजिए। तो ये शिवाजी महाराज की महानता थी, जिसमें उन्होंने एक प्रकार से सभी धर्मों के लोगों का आदर किया। सूरत में फादर एम्ब्रोस पिंटो का भी उन्होंने काफ़ी आदर किया, उनके आश्रम को सुरक्षा प्रदान की। तो ये उनकी बात का एक पहलू था। और जो औरंगज़ेब शिवाजी की लड़ाई थी वो कोई धर्म के कारण नहीं थी, धर्म के कारण नहीं थी, ये लड़ाई एक सत्ता की लड़ाई थी। शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, औरंगज़ेब अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, और उसी के बीच में वास्तव में औरंगज़ेब की तरफ से शिवाजी महाराज से जो बातचीत करने आते थे, जो मुकाबला करने आते थे, उनका नाम था राजा जय सिंह। तो ये हिंदू मुसलमानों की बात तो थी ही नहीं। वैसे देखा जाए तो अफजल खान के बारे में यहाँ बहुत किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं कि अफजल खान एक मुसलमान, शिवाजी महाराज एक हिंदू, ये दो धर्म की लड़ाई के रूप में देखा जाता है। पर इसमें अगर आप गहराई में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि शिवाजी महाराज जब अफजल खान को मिलने जाने वाले थे तो शिवाजी महाराज के एक सहयोगी जिनका नाम था रुस्तम जमान ने शिवाजी महाराज को वाघ नख आयरन क्लॉज ले जाने की सलाह दी और शिवाजी महाराज अपनी अंगूठियों के नीचे छुपाकर उनको ले गए। तो खैर, उनके जो अफजल खान के साथ मुठभेड़ के बावजूद, अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज ने खुद अफजल खान की कब्र को बनाया था और वहाँ उन्होंने कुछ पैसा भी दिया ताकि उस कब्र पे रख रखाव चलता रहे। बीच में मुझे याद आता है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग उस दरगाह को तोड़ने जाने वाले थे और जब उनके नज़र में लाया गया कि अरे भाई ये दरगाह तो शिवाजी महाराज ने खुद बनवाई थी, जो ये विश्वास करते थे कि अफजल खान और उनकी लड़ाई ये सत्ता की लड़ाई थी, इसमें धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो एक ये दृष्टिकोण है जिससे शिवाजी महाराज को देखा जाता है, जहाँ वो एक मुसलमानों के विरोधी और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक राजा के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। और उनका दूसरा प्रस्तुतिकरण जो है वो महात्मा ज्योतिराव फुले से चालू हुआ। महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिवाजी महाराज को एक ऐसे राजा के रूप में देखा जो ब्राह्मणवाद से अलग था, एक ऐसे राजा के रूप में देखा जो समाज के कमज़ोर तबके, कमज़ोर जातियों का ख्याल रखता था और उनके आधार पे अपनी नीतियों को बनाता था। यहाँ एक बात और याद आती है कि हमारे बम्बई में ही एक जो बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं तीस्ता सेतलवाड़, उन्होंने टीचर्स के लिए एक हैंडबुक निकाली थी जिसमें उन्होंने ये बात इतिहास से सिद्ध की थी कि शिवाजी महाराज जब उनका राज्याभिषेक होने का था तो यहाँ के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपर कास्ट से नहीं थे। तो फिर बहुत बड़ी दक्षिणा देकर
काशी से गागा भट्ट नाम के एक ब्राह्मण को लाया गया, जिसने अपने बाएं पैर की छोटी उंगली से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। तो उस समय ये ब्राह्मणवाद का दृष्टिकोण था शिवाजी महाराज के बारे में। आज भी जब जेम्स लेन ने अपनी किताब शिवाजी महाराज पे लिखी, तो उसके बाद भंडारकर इंस्टीट्यूट जो है उस पर कई लोगों ने अटैक किया। उनका मुख्य बात ये थी कि जेम्स लेन के किताब में जो कुछ विवादास्पद बातें हैं, वो बातों को भंडारकर इंस्टीट्यूट के लोगों ने जेम्स लेन को दी, इसलिए भंडारकर इंस्टीट्यूट पर ये एक बुरा हमला हुआ था। तो आज महाराष्ट्र में दो प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, एक मुसलमानों के खिलाफ गोलबंद करने के लिए शिवाजी को प्रस्तुत करना जो आरएसएस और उससे जुड़े संगठन कर रहे हैं, और दूसरा मराठा और दूसरे कास्ट के लोग ये शिवाजी महाराज को अपने प्रतीक के रूप में खुद के सशक्तिकरण के लिए, खुद को एम्पावर करने के लिए शिवाजी महाराज को अपने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आज शिवाजी महाराज एक दृष्टिकोण से नहीं देखे जा सकते, वो दो दृष्टिकोण से उन्हें देखने की ज़रूरत है। एक दृष्टिकोण जो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है, जिसको आरएसएस बीजेपी लेके चलते हैं, और दूसरा दृष्टिकोण यहाँ के जो सबाल्टर्न, यहाँ के जो गैर अपर कास्ट के लोग हैं, जो उसके आधार पे शिवाजी महाराज का बहुत आदर करते हैं। पर मोटे तौर पे शिवाजी महाराज का आदर पूरे महाराष्ट्र में सभी तबकों के लोगों में है, इसीलिए महाराष्ट्र के इस राजा की तुलना नरेंद्र मोदी से करना ये लोगों को कभी भी स्वीकृत नहीं होगा। और ये ठीक हुआ कि इस किताब को जो रिलीज़ करने किया, उसके बाद अभी दावा किया जा रहा है कि इस किताब को वापस ले लिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करने वाले लोग हैं वो उनकी तारीफ़ ज़रूर करें, पर उनकी तुलना ऐसे लोगों से ना करें जिन्होंने समाज के कमज़ोर तबकों की भलाई के लिए बड़े कदम उठाए। वो भले इतिहास में हो या आज में हो, उससे नरेंद्र मोदी की नीतियों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीतियाँ एक हिंदू राष्ट्र के एजेंडा के लिए हैं और आम लोगों की भलाई का उसमें कोई भी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो ये इसके बहाने हम शिवाजी महाराज को पूरा समझने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि समाज में दो प्रकार के एजेंडा होते हैं। एक एजेंडा वो जो अपर कास्ट संभ्रांत लोगों की मदद करता है, जिस प्रकार से जैसे मोदी जी का एजेंडा है, और दूसरा एजेंडा वो जो समाज के आम लोगों की समस्याओं को एड्रेस करने का, उनको हल करने का प्रयास करता है। थैंक यू वेरी मच।